उसका हम टेस्ट वगैरह आपको बताते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में शादो आबाद और एकदम खुशहाल होंगे। आज एक नए दिन की, एक नई रात की, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज यार अभी हम रेडी शेडी हो गए, नहा धोकर मैं निकला हूँ, कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए, रेड शर्ट ब्लू जीन्स और साथ जो मेरे ब्लैक स्टोन के नए शूज़ हैं वो पहनेंगे, और वो वाइट कलर के थोड़े से शूज़ हैं, और थोड़े से नहीं वाइट कलर के ही हैं, थोड़ा सा नीचे क्रीमी सा शेड है उसके अंदर, तो वो भी आपको दिखा देंगे अभी। तो अभी हम जा रहे हैं भाई बाहर, कुछ नाइट आउट का खाने छाने का प्लान है, तो वो कौन से रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं हम वो आपको जाकर भी पता लग जाएगा। और वाइफ से मैं बता देता हूँ, 3 से 4 दिन बल्कि काफ़ी दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जहाँ पे हमारी शहज़ादी की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट की गई थी, जो बारबेक्यू टुनाइट था बहावलपुर में, वाकया है सब लोगों को तो पता ही होगा, जो यानी कि खाने पीने के शौकीन उनको रेस्टोरेंट्स का तो पता ही होगा ओबियसली सी बात है। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर चल के नेक्स्ट आपको सीन भी बताते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर स्टार्ट भी कर लेते हैं। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई ये तो अंदर है जी, अंदर चौ बिरयानी। यार ये हमारी स्पेशल हांडी आ चुकी है, चिकन अचारी हांडी, ये साथ बिरयानी आ गई यहाँ की मशहूर, वहाँ की है ये कबाबिश की, आप लाजमी ट्राई करें बहावलपुर आकर, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इनकी बिरयानी तो मैंने ट्राई की है, हांडी ट्राई नहीं की, ये रोटियाँ और साथ गार्लिक नान है रायता वायता, अभी इसको ट्राई करते हैं इंशाल्लाह और आपको टेस्ट वगैरह फिर बताते हैं। बिरयानी ट्राई कर रहे हैं यार, इसकी फर्स्ट बाइट लेकर और इसका हम टेस्ट वगैरह आपको बताते हैं कैसा है। खैर मज़ेदार किस्म की बिरयानी है और टेस्ट फ्लेवर्स 3-4 किस्म के हैं, खट्टे भी आ रहे हैं और मिर्च मसाले अच्छे हैं, तो आप लोग कबाबिश को ट्राई करें, बहुत ज़्यादा कमाल का इनका फ्लेवर है, आगे लास्ट में ट्राई करें। अभी ये अचारी हंडी इसकी हम ट्राई करेंगे, उसका फ्लेवर आपको अभी बताते हैं। जी तो यार अब इनकी ये जो है अचारी हंडी इसको ट्राई कर रहे हैं, इसकी एक बाइट लेते हैं और बताते हैं भाई कैसा है। मज़ेदार चीज़ है यार, और गार्लिक नान से ट्राई कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। चलें अपना खाना शाना ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। जी तो यार अभी घर पर आ चुके हैं और कबाबिश का जो खाना शाना था यार बहुत ही लाजवाब था, और टेस्ट क्या उम्दा टेस्ट था यार, हमने बिरयानी अचारी हंडी ट्राई की थी और उसके बाद हम आइसक्रीम जो रोलर आइसक्रीम बहावलपुर में नई मुतारिफ़ करवाई गई है, अभी एक शॉप ही है उसकी ब्रांड्स आगे आउटलेट्स वगैरह और ओपन करवाना चाह रहे हैं वो, तो वो सोच रहे हैं हम देखेंगे जैसे ही ओपन होंगी उसका विजिट करेंगे इंशाल्लाह। वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम थी, वो मैंने पहले लाहौर में खाई हुई रोलर आइसक्रीम, तो यहाँ पे भाई बिल्कुल लाजवाब किस्म का टेस्ट था, कोई ऐसा यानी कि ख़राब नहीं था, और चॉकलेट जो ओरिजिनल चॉकलेट का टेस्ट होता ना वो वाला फ्लेवर था, तो वो खा पी कर थोड़ा सा इन्जॉय करके घर पर अभी आ चुके हैं। सामने अपने यहाँ पर लगी हुई मूवी शू भी देख कर, पहले सोच रहे थे मूवी देखें लेकिन सबका सोने का प्लान हो भाई। इस टाइम टाइम आप देख सकते हो क्या हो रहा है, 3:15 हो रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं भाई, 2:45, तो इसलिए हम अपना लैपटॉप वगैरह ऑन करके हम बैठ चुके हैं। हमने कहा यार थोड़ा सा काम शाम कर लेते हैं, काम धंधा कर लें, कुछ पैसा वैसा कमा लें, उसके बाद ही कुछ खा पी सकेंगे, गरीब बनते मजदूरी करनी पड़ती है यार, क्या करें। तो अभी काम शाम करते हैं, काम शाम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद कुछ सोने का प्लान बनेगा। मैं
ऑलमोस्ट कोई 3 दिन हो गए लगातार मैं सुबह सो रहा हूँ 6:30 बजे। और यही यार ऑलमोस्ट यही हर इंसान को यही करना चाहिए जो भी जवानी की उम्र में है ना, ये कुछ टाइम जो है ना आपका ये 20-25 साल से लेकर और 30-35 साल तक, यहाँ तक आप जितना हो सकता है ना भाई कमा लो, उसके बाद सुकून से बैठ कर खाना ही है, घर वालों को खिलाना ही है। तो इसलिए काम शाम करके फिर ही सोएंगे, और शायद हमारा कल नहीं तो परसों का वापस बावल नगर घर का प्लान है, और लिली भी हमारी बहुत मिस कर रही है हमें तो जाकर उससे मिलेंगे। और भाई अब बस इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर लाजमी करें, इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक भाई को फॉलो मस्ट है, कुछ भी दिल करें दुआओं में याद रखा करें, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो में एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।